गाइस तो आ गए तो वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गोकुल धाम सोसाइटी को कि जब आप माइनक्राफ्ट में गोकुल धाम सोसाइटी बनाते हो तो भाई कैसा लगने वाला है। तो भाई आज मैं आपको गोकुल धाम सोसाइटी माइनक्राफ्ट पूरी अच्छी तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई देखो वीडियो भाई छोड़ के बिल्कुल भी जाना मत क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा मतलब मजेदार वीडियो यहाँ पे होने वाला है और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो भाई चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गोकुल धाम सोसाइटी को अपने माइनक्राफ्ट में। तो देखो यार ये हमारा गोकुल धाम सोसाइटी है, ये बहुत ही बड़ा में यहाँ पे बना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया में यहाँ पे बना है और ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खतरनाक यहाँ पे देखने में लगता है, ठीक है। तो चलो यार हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपने गोकुल धाम सोसाइटी को जिसके लिए आप ये वीडियो यहाँ पे क्लिक किया देखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं वो दिखाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भाई छोटा सा यहाँ पे गेट है। तो देखो हम लोग यहाँ पे गेट से यहाँ पे मतलब उसको खोल करते यहाँ पे जाने वाला है नहीं भाई, क्योंकि देखो हम यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि देखो ये गेम मेरा है तो भाई यहाँ पे रूल भी मेरा ही चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं अपने मर्जी से, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे धीरे धीरे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे रोड यहाँ पे है और इधर साइड भी रोड बना पड़ा है। देखो ये हमारा मेन गेट है अंदर जाने का भाई गोकुल धाम सोसाइटी को। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ग्रिल यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे गोकुल धाम सोसाइटी यहाँ पे एंटर यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो एंटर करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि देखो उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ चालू पांडे का यहाँ पे पुलिस स्टेशन। तो भाई देखो ये चालू पांडे का यहाँ पे मतलब स्टेशन बना पड़ा है और यहाँ पे उसका जीप यहाँ पे बना, ठीक है भाई। इसका जीप देख लो कितना ज्यादा यहाँ पे खतरनाक और छोटा सा दिखने में लगा, ठीक है। तो छोड़ो इसको, चलो यार सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे चालू पांडे के यहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन में, ठीक है। देखो इसके यहाँ पे 3 गेट है, वहां पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन गेट से मतलब मिडिल गेट से यहाँ पे जाने वाला हूँ भाई। चलो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जाके देखते। तो भाई साहब देख रहे हो क्या ही यहाँ पे बना है भाई। ओहो भाई चालू पांडे भाई क्या ही चालू निकला, देख रहे हो भाई कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बना है भाई ये पुलिस स्टेशन और कितना ज्यादा बड़ा है भाई। यहाँ पे हल को रखते हो क्या अंदर भाई, इतना बड़ा है भाई इसमें हल को फिट आ जाएगा भाई साहब क्या ही है भाई ये। और देखो यहाँ पे चालू पांडे के यहाँ पे बात है, यहाँ पे बैठते बैठते होंगे और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जेठल बैठ कुछ यहाँ पे बातें साथे करते होंगे, ठीक है। तो देखो भाई यही दुना का भाई मैटर यहाँ पे चलते रहता है भाई क्या ही बताओ। देखो यहाँ पे फाइलें वाइलें पड़ी है और यहाँ बुक्स भी पड़ी है, ठीक है भाई कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है। और देखो लगता है भाई ये ब्लॉक रखना भूल गया क्या ऊपर भाई, इसको हवा में लटका दिया भाई। ओह भाई क्या ये बना है भाई, देख लो भाई स्टार्टिंग में इतना ज्यादा खतरनाक, तो सोचो भाई गोकुल धाम सोसाइटी कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है भाई। ओहो भाई तो देखो यही है हमारा पुलिस स्टेशन, तो भाई इसको आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, ठीक है। ओहो भाई क्या ही यार देखने में लग रहा भाई, देख रहे हो। तो भाई चलो भाई सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे गोकुल धाम सोसाइटी को देखना भी तो है ना। चलो भाई देखो ये हमारा गोकुल धाम सॉरी भाई ये है हमारा पुलिस स्टेशन है, अभी हम लोग जाने वाले गोकुल धाम सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है क्या ही मैं बताऊँ। तो चलो मैं यहाँ पे इस गेट से जाता हूँ भाई, इस गेट से बाहर निकलो और इस भाई जीप को बाय बाय बोल दो। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं कभी और, ठीक है। तो भाई चलते हैं हमारे मेन गेट के पास। तो देखो ये हमारा मेन गेट है, ठीक है। तो मेन गेट में यहाँ पे इंटर करते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इधर यहाँ पे छोटे घर भर होंगे और यहाँ पे वैन वैन पड़े होंगे, ठीक है भाई। रियल में भी ऐसा है भाई, सेट ऐसा बनाया गया है ना कि सब कुछ आपको आसपास ही देखने में मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर है, ठीक है। शूट करने के लिए इतना दूर बार बार कौन जाने वाला, ठीक है। इसे भाई सब यहाँ पे पास में बनाया गया और देखने भी अच्छा लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे बहुत सारे दुकान है और ये देखो भाई अब्दुल का यहाँ पे दुकान, देख रहे हो भाई ये हमारा अब्दुल का दुकान है। तो देखो यहाँ पर तो बहुत सारे यहाँ पे सामान यहाँ पे मिल सकते हैं भाई, खाने वाने का भी देखो यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह पड़े हैं भाई, जिसको खाना आके खा सकते हो, पर माइनक्राफ्ट ठीक है रियल में नहीं मिलने वाला, ठीक है अभी तो मिलने वाला नहीं है। तो देखो और देखो यहाँ पे क्या ही भरा पड़ा है, देखो यहाँ पर तो भाई ओहो ये क्या है भाई, लगता है खा के यहाँ पे छोड़ दिया क्या। ओहो भाई इधर भी छोड़ दे भाई, लगता है छोड़ा नहीं है कुछ, अभी गिर गया, ठीक है भाई क्या ही अब्दुल भाई सर साफ सफाई रखा करो यार, तुम भी गजब आदमी यार, खैर छोड़ो क्या ही कर सकते, ठीक है। तो भाई देखो अब चलते हमारे मेन भाई जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे भाई, वहां पर तो हम लोग आ चुके हैं। तो देखो ये हमारा एंटर यहाँ पे गोकुल धाम सोसाइटी में हो चुका है। तो देखो यार ये हमारा गोकुल धाम सोसाइटी भाई, ये देखो कितना ज्यादा यहाँ पे खतरनाक यहाँ पे देखने में लग रहा है, ठीक है भाई। ये हमारा गोकुल धाम सोसाइटी क्या ही यहाँ पे बनाया भैया माइनक्राफ्ट में, कितना ज्यादा यहाँ पे खतरनाक यहाँ पे देखने में लग रहा है।
बिल्कुल यहाँ पे रियल की तरह यहाँ पे लग रहा है। भाई मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं शूट भी कर सकता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि मेरा गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ भी यहाँ पे शूट कर सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे मैं बना भी सकता हूँ बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है भाई। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो। देखो ये आपको यहाँ पे ब्लू प्रिंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ भाई, आप चाहो तो इससे अच्छा मतलब अच्छा था, इससे बड़ा भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा भी बना सकते हो, पर देखो ये भी भाई कुछ यहाँ पे कम नहीं है, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा मतलब फ्लैग है, तो भाई देखो यहाँ पे भाई फ्लैग हमारा जय हिंद, ठीक है भाई जय हिंद। देखो यहाँ पे फ्लैग यहाँ पे भरा पड़ा है, मतलब भरा पड़ा नहीं मतलब खड़ा है, ठीक है। देखो और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या ही कुछ है भाई, यहाँ पे बबीता जी का घर है, रुको मैं बुला के देखता हूँ शायद वो आ जाए। हेलो बबीता जी, बाहर आ जाओ, हेलो हेलो, ओ हेलो हेलो, नहीं सुन रहे भाई क्यों, देखो भाई ये नहीं सुन रहे हो, जेठालाल को बुलाओ क्या, ओए जेठालाल बाहर आ जा बाहर आ जा। देखो ये भी नहीं सुन रहा भाई, देखो सबका घर यहीं पे भाई, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है भाई। और यहाँ पे भीड़ है, ओए भीड़ बाहर आ जा भाई, देखो सब यहाँ पे मौज कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे है नहीं भाई, पूरा यहाँ पे खाली पड़ा है, ठीक है। कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात है नहीं, मैं कुछ ही बोलूंगा यहाँ पे बाहर आने वाला है नहीं, क्योंकि भाई ये माइनक्राफ्ट आपको ही पता है। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है कुछ, यहाँ पे मैं सबसे पहले मिडिल में आऊंगा और मैं सोचता हूँ सबसे पहले किसके घर में जाऊँ, किसके घर में जाऊँ बता दो, किसके घर में जाऊँ। तो देखो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ जेठालाल, नहीं बबीता जी, भीड़े इसमें बोलो यार। देखो तो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ जेठालाल के घर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेठा के घर के अंदर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, जाऊँ तो जाऊँ कैसे भाई। देखो यहाँ पे मैं सीढ़ी से जाऊँगा, थोड़ा मैं टाइम लगने वाला है, और डायरेक्ट चल गया तो भाई जेठालाल शायद बुरा मान जाए, इसलिए मैं यहाँ पे सीढ़ी से ही जाऊँगा, ठीक है। तो भाई चलो यहाँ पे सीढ़ी से यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा गेट है, तो भाई यहाँ से मैं सीधा एंट्री करूँगा, 1 2 3। ओहो भाई क्या ये फास्ट आ गया, देखो वो भाई कुछ ज़्यादा फंसा गया क्या, अरे आराम से छोटे आराम से, इतना भी नहीं भागना कि भाई कुछ प्रॉब्लम ही हो जाए। देखो ये हमारा जेठालाल का मतलब घर का एंट्री मतलब जो गेट होता है ना मेन गेट, भाई ये हमारा जेठालाल का मेन गेट है। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर मैं जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। ओ हो भाई देख रहे हो क्या ही आप देखने में लग रहा है भाई, ये देखो जेठालाल का रूम कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है भाई। मान सकते हो जेठालाल का घर ऐसा हो सकता है, मान सकते हो। देखो यहाँ पे पूरी तरह से परफेक्ट यहाँ पे बन तो सकता है नहीं माइनक्राफ्ट में, कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे हो ही जाएगा या होता ही होगा, ठीक है। पर देखो जैसा भी कितना ज़्यादा देखने में अच्छा है आपको ये पता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका, मैं बेडरूम दिखाऊंगा और मैं किचन भी शायद आपको दिखा भी सकता हूँ। तो सबसे पहले जाता हूँ इसके बेडरूम में, शायद ये हमारा बेडरूम हो सकता है, ठीक है, शायद ये बेडरूम हो सकता है। चलो भाई शायद ये देखो ये बेडरूम है, देखो ये जेठालाल का बेडरूम है भाई, जेठालाल यहीं पर सोता है और क्या करता है, और यहाँ पर ये करता है, ठीक है। दोनों मतलब समझ लो भाई क्या करता है, ठीक है, दोनों में करता है। और देखो और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये हमारा अच्छा सा छोटा सा बड़ा सा बेडरूम है, ठीक है। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको किचन, ठीक है, किचन देखना जरूरी तो है नहीं, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा किचन है, तो भाई देखो यहाँ पे इसका घर है पता है ना, यहाँ पे मतलब दया जी का, सॉरी यहाँ पे दया भाभी का यहाँ पे किचन है, ठीक है। यहाँ पे वो भी खाना वाना बनाती है, यहाँ पे मौज करते, ठीक है, क्योंकि भाई क्या ही कर सकते हो भाई, मौज ही कर सकते हैं ना। तो देखो अब मैं जाता हूँ भाई फिर से अपने मेन स्पॉट, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन स्पॉट पता क्या है भाई, यहाँ पे इस रूम का सबसे ज़्यादा मेन स्पॉट है ये भाई, सबसे ज़्यादा मेन स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ है, यहीं से भाई सब कुछ यहाँ पे कांड और मतलब यहाँ पे काम होता है, कांड नहीं थोड़ी कांड होता है, थोड़ी फिर से मैं बोल दिया, मतलब काम होता है, ठीक है। तो भाई देखो ये देखो यहाँ से अब व्यू देखो यार क्या ही मतलब रियल की तरह लग रहा है भाई, जैसा लग रहा है मैं यहाँ पे सेट पे चला गया हूँ और मैं सब कुछ अपने आंखों से यहाँ पे देख रहा हूँ, पर माइनक्राफ्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, रियल देख रहा हूँ क्या ही बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे भीड़ रहता है, ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ, ओए भीड़ बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा मतलब सॉरी स्कूटर है क्या इसका, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा स्कूटर फोड़ दूंगा, बाहर निकल भाई, निकल जा भाई, हल्का निकलेगा नहीं पर पता है मुझे, पर क्या ही कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे यहाँ से सब कुछ यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे पानी वानी गिरा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे यहाँ से बबीता जी कुछ भी कर सकता हूँ, पर कुछ भी करने का फायदा है नहीं है, पर क्या ही करूँ यार। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा गोकुलधाम सोसाइटी था, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। तो देखो ये मतलब छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मतलब गोकुलधाम सोसाइटी, और कितना अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, क्या है यहाँ पे देखने में भी लग रहा है भाई, ऐसा नहीं कुछ भी है पर अच्छा सा बनाया गया है भाई। ये देखो पहली बार बना दो, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये किसी ने बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे बनाया है, ठीक है। मैं बस आपका रिव्यू दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको बना सकते हो अपने मतलब माइनक्राफ्ट में, और भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, इससे अच्छा भी बना सकते हो और इससे खराब भी बना सकते हो भाई, जैसा आपका स्किल होगा, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा बनाओगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही अच्छे से बनाया गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने में भी लग रहा है। देखो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पे स्विच चार है, देखो यहाँ पे स्विच चार में कुछ यहाँ पे लिखा उखा कुछ है ही नहीं, देखो मैं आपको ये बात पता क्या लिखूंगा,
भाई चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको नहीं बोल रहा, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि भाई ये आपको कैसा लगा हमारा गोकुल डाक सोसाइटी। तो जल्दी से आप कमेंट वमेंट भरो भाई, सोचते क्या हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियो अब आने वाले, धमाकेदार वीडियो यहाँ पे आने वाला है। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई ये आपको मतलब कैसा लगा भाई हमारा गोकुल डाक सोसाइटी, आप कमेंट करके बताओ। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाओ, ठीक है। तो चलो यार बाय बाय, सायनारा, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।